अभी तो इसे खुद अपनी आंखों के सामने ने प्यारे संडे को मिटते हुए देखना है। तुम संडे को बचाने आए थे बालवीर, लेकिन अब तुम खुद इस चट्टान से नहीं बचोगे। भूल जाए ये संडे को हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो रही परियां, अभी इन्हें कैद करती हूँ। ये सब कैसे हो गया भटका दी परी? कुछ समझ नहीं आ रहा नकट परी। हमें रानी परी को बताना चाहिए। हाँ नुकीली परी, नुकीली परी, तुम्हें क्या लगा तुम नुकीली की नोक से बच्चों को बचा लोगी? नहीं, अब तुम यहां कैद रहोगी और मैं बाहर सचिन की तरह मानव और सलोनी के दिमाग से भी संडे की याद को मिटा दूंगी। नहीं नुकीली परी, तुम ऐसा नहीं करोगी। बड़ा ही आनंद आ रहा है मुझे इस खेल को देखने में। देखते हैं पहले कौन मिटता है, बालवीर तुम या फिर बच्चों का प्यारा संडे। लेकिन सचिन तुझे सचमुच संडे याद नहीं है? Yeah, मैंने कहा ना कि मुझे संडे के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर तो अचानक संडे को कैसे भूल गया? सचिन वो मैंने बाहर सुबह कुछ सुखाने के लिए रखा था, जाके ले आओ। खाना खाने के बाद ले आऊं? अभी लाओ। ओके। तुम लोग भी जाओ। कहाँ? बाहर? खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ना? ना। चलो चलो। अरे मानव, आई कहती है खाने से पहले साबुन से हाथ धोते। अभी मैं इस मामूली साबुन को मायावी साबुन बना देती हूँ। अब इस मायावी साबुन से हाथ धोते हैं, तुम्हारी सुरक्षा अंगूठियां फिसलकर नीचे गिर जाएंगी। Ah!
सुरक्षा अंगूठियां गिरी नहीं बल्कि मैंने गिरवाई है। तुम कौन हो ना तुम? मैं नुकीली परी हूं। मैं ही हूं वो जिसने तुम सब बच्चों के दिमाग से संडे की याद को मिटाया है और अब संडे को भूलने की बारी तुम दोनों बच्चों की है। बचा! आई! बचा! आई! कोई है? चिल्लाओ और चिल्लाओ अपनी मदद के लिए, लेकिन यहां कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुन सके और तुम्हें नुकीली के नोक से बचा सके। बस इसी में है कि खुद ब खुद बाहर निकल जाओ, क्योंकि नुकीली के नोक से तुम लोग बच नहीं सकते। तो बहुत खतरनाक है, अब हम क्या करें? हम कर भी कह सकते, हमें तो बस अंधेरे का फायदा उठा के उससे बचना चाहिए। और अगर उसने हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमारे भी संडे की याद भुला देगी। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम लोग नुकीली से छुप नहीं सकते। से निकलना होगा।
होश में लाने के लिए कुछ करता हूँ, ओके? मैं अभी पानी लेता हूँ, प्लीज तू शांत रह, प्लीज मैं कुछ करता हूँ, प्लीज तू शांत रह, प्लीज सलोनी प्लीज। रुक जाओ, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे छुप नहीं पाओगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए संडे को। तोबा बचा अपनी जान। वाह नुकीली परी वाह, नुकीली परी अपना काम बखूबी कर रही है, बस एक कदम और फिर संडे का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त। संडे का नहीं, उससे पहले तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखते हैं मेरे पास समय ज्यादा है या फिर संडे के पास समय। मानव भी संडे को भूल गया, अब वो मुझे ही पकड़ने के लिए आएगी। क्या करूं क्या करूं? हाँ एक काम करती हूँ, मैं रूम में जाके छुप जाती हूँ और अंदर से रूम लॉक कर देती हूँ। बस एक बच्ची बची है। शुक्र है सलोनी ठीक है। भटकाती परी, हमें सलोनी को आवाज देनी चाहिए, शायद वो हमारी आवाज सुन ले, हमारे ऊपर से ये कवच हटा दे। आप सही कह रही हैं। सलोनी 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 सलोनी, हमारी आवाज सुनो सलोनी। ये नुकली परी भी आ गई है। गौर से देखो संडे को बालवीर। एक और बच्चे की याद देनी है और फिर संडे हमेशा हमेशा के लिए बर्फ में जम जाएगा और फिर तुम चाह कर भी अपने प्यारे संडे को कभी वापस नहीं ला पाओगे। नहीं भयंकर परी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे पास संडे को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं है भयंकर परी, इसलिए अब मैं ज्यादा समय तक तुम्हें अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। तुम्हें नुकीली के नोक से कोई नहीं बचा सकता।
कहाँ छुपी हो प्यारी बच्ची, निकलो बाहर। छोटी सी बच्ची। संडे को बचाने आए हो ना बालवीर? मैं संडे को ही इस पर्वत में दफना देती हूं। संडे? अब संडे इस आसमानी पर्वत पे हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और वहां धरती पर नुकीली परी को इतना समय मिल जाएगा कि वो एक आखिरी बच्चे से संडे की याद को मिटा दे। और जैसे ही उस बच्चे की याद से संडे मिट जाएगा, संडे यहां आसमानी पर्वत पर हमेशा हमेशा के लिए जम जाएगा। अब तुम भी संडे को भूलने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या करेंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.